जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्वार सिद्धि योग। सर्वार सिद्धि योग कैसे बनता है बार और नक्षत्र से। रविवार के दिन हस्त नक्षत्र मूल तीनों उत्तरा उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा साढ़ा उत्तरा भाद्रपद पुष्य और सात नक्षत्र रविवार के दिन पड़े तो सर्वार सिद्धि योग बनता है। सोमवार को श्रवण रोहिणी मृगशिरा पुष्य और अनुराधा ये पांच नक्षत्र सोमवार के दिन पड़े तो सर्वार सिद्धि योग बनता है। मंगलवार के दिन अश्विनी उत्तरा भाद्रपद कृतिका और आश्लेषा ये चार नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़े तो सर्वार सिद्धि योग बनता है। बुधवार को रोहिणी अनुराधा हस्त कृतिका और मृगशिरा ये पांच नक्षत्र बुधवार के दिन पड़े तो सर्वार सिद्धि योग बनता है। बृहस्पतिवार को गुरुवार को रेवती नक्षत्र अनुराधा अश्विनी पुनर्वसु और पुष्य ये पांच नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़े तो सर्वार सिद्धि योग बनता है। शुक्रवार को रेवती अनुराधा अश्विनी पुनर्वसु और श्रवण ये पांच नक्षत्र पड़े तो सर्वार सिद्धि योग बनता है। शनिवार को श्रवण रोहिणी स्वाति ये तीन नक्षत्र अगर पड़े तो सर्वार सिद्धि योग बनता है। इन बारों से और नक्षत्रों से सर्वार सिद्धि योग बनता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय व्यक्त जरूर करना। ज्यादा से वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय गणेश।